Good morning, students. Today I want to teach you chapter 4, Caught in a Fire. It's a very good chapter. Read these lines. People lie and hurt. People give gifts and ask for anything in return. Hugs and kisses are also treated like a birthday present. People help others and ask for nothing in return. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हम लोगों को देखने को मिलता है. कुछ लोग झूठ बोलते हैं, उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं. कुछ लोग गिफ्ट्स देते हैं और बदले में कुछ उनको रिटर्न मिलना चाहिए, ऐसे सोचते हैं. हग्स एंड किसेस आर ऑल्सो ट्रीटेड लाइक अ बर्थडे प्रेजेंट. बर्थडे प्रेजेंट में हग्स एंड किसेस भी एक टाइप का प्रेजेंट होता है. पीपल हेल्प अदर्स, और कुछ लोग ऐसे होता है जो हेल्प करते हैं लेकिन बदले में उनको कुछ भी नहीं चाहिए होता. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हम लोगों के पास है. डिस्कस इन ग्रुप्स, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू लाइक टू बी. तुम किस टाइप का पर्सन बनना चाहते हो. हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प अदर्स. जब तुम किसी को हेल्प करते हो, मदद करते हो, तो तुम कैसे फील करते हो. तो ये तुम्हारा सोच के तुम आंसर देना. Forest fires are common in some places. They occur when there is a lack of rain. In summer months, dry leaves and trees in forest catch fire. Sometimes, this fire affects villages and towns near the forest. Joseph and Katrina lived on the shore of the lake and were very happy to have a nice farm and livestock one night. Now, continuity. फॉरेस्ट फायर क्या क्या होता है. ये कुछ जगह पे ये बहुत कॉमन होता है, क्योंकि समर मंथ्स में बहुत ज़्यादा जहाँ पे बारिश की कमी होता है, वहाँ पे ड्राई लीव्स और ट्रीज का जो पत्ता होता है वो एकदम से फायर को कैच करता है. समटाइम्स दिस फायर अफेक्ट्स विलेजेस एंड टाउन्स. कभी कभी वो फायर विलेजेस एंड टाउन्स तक फैल जाते हैं, और नियर द फॉरेस्ट, नियर मैंने फॉरेस्ट के नियर बाई में जो भी टाउन्स और विलेजेस होता है. जोसेफ एंड कैटरीना दो ऐसे ही कपल है जो लिव्ड ऑन द शोर ऑन द लेक. लेक के शोर मतलब किनारे पे रहते हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी. खूबी सुखी दाम्पत्य जीवन है उनका. टू हैव अ नाइस फार्म एंड लाइफ स्टॉक. उनके पास एक नाइस फार्म है, और एक एनिमल्स को केप्ट करने के लिए जो फार्म होता है उसको बोलते हैं लाइफ स्टॉक, वो भी है. वन नाइट जोसेफ एंड कैटरीना स्मिथ लिव्ड ऑन द शोर ऑफ अ लेक and were happy to have their farm and livestock. तो जोसेफ एंड कैटरीना उनके घर में बहुत हैप्पीली रह रहे थे. वन नाइट व्हेन दे वर डीप इन स्लीप दे वर वोकन अप बाय पाउंडिंग ऑन देयर बेडरूम डोर. एक रात में बहुत जोर मतलब वो लोग गभीर गहरा नींद में थे, अचानक उनको नींद खुल गया. उनके बेडरूम के बाहर बहुत तेजी से दरवाजा नॉक हो रहा था, दरवाजा को नॉक कर रहा था, पुश कर रहा था, धक्का दे रहा था. फायर इन द फॉरेस्ट, फायर इन द फॉरेस्ट. दे हर्ड देयर सन शाउटिंग. उनको इतना चिल्लाने का आवाज मिला, उनके बच्चे का, जो उनका बच्चा है वो चिल्ला रहा था. फॉरेस्ट फायर लग गया. जोसेफ टॉक टू हिज सन, हरिडली ड्रेस्ड अप एंड जम्प्ड इनटू हिज कार, सो डिड हिज वाइफ. जोसेफ उसके बेटा के साथ बात किया और जल्दी से ड्रेस्ड अप ड्रेस पहन के जंप करके उनकी गाड़ी के सामने आया. उनकी पत्नी भी उसके उनके साथ यही काम किया. ही ड्रोव फास्ट टूवर्ड्स द मेन रोड. व्हेन ही रीच्ड देयर ही सॉ अ फ्यू फायर फाइटर्स एंड सम पीपल फ्रॉम द नेबरहुड ऑलरेडी स्टैंडिंग एंड पियरिंग एट द रिज व्हिच वाज कवर्ड विद फायर एंड स्मोक. तो जब उन्होंने गाड़ी ड्राइव करके मेन रोड पे आया और वहां पे पहुंचा, तो देखा कुछ फायर फाइटर्स और कुछ नेबरहुड पड़ोसी लोग वहां पे ऑलरेडी पियरिंग मीन्स लुकिंग एट समथिंग दे कुड नॉट सी क्लियरली. मतलब ऐसे झांक के देखा जिसको प्रॉपरली वो लोग देख भी नहीं पा रहे थे. और रिज मीन्स हाई पॉइंटेड एरिया नियर द टॉप ऑफ द माउंटेन्स. एकदम टॉप माउंटेन्स का जो एकदम ऊपर का हिस्सा है उसको बोलते हैं रिज, जो कि स्मोक और फायर से कवर्ड हो चुका था. नो वन न्यू हाउ द फायर ब्रोक आउट. कोई भी नहीं जानता कैसे ये फायर ब्रोक आउट हुआ या लग गए. परहैप्स इट हैड स्टार्टेड बाय लाइटनिंग. जल्दी से वो बिल्कुल लाइटनिंग के साथ वो फैल गया. द फायर फाइटिंग क्रू लुक्ड हेल्पलेस.
जो फायर फाइटिंग क्रू थे, फायर फाइटर्स थे, वो लोग भी हेल्पलेस लग रहा था, मतलब असहाय लग रहा था. दे न्यू दैट इफ फायर स्प्रेड इट वुड डिस्ट्रॉय द पीपल एज वेल एज द लाइफ स्टॉक. उनको पता था अगर ये जल्दी से स्प्रेड हो जाए, फैल जाए, तो ये नॉट ओनली लोगों का जिंदगी, इसके साथ साथ लाइफ स्टॉक, मतलब जो जो भी प्रॉपर डोमेस्टिक एनिमल्स या कैटल रहते हैं उनको भी खत्म कर देगा. सो दे सेंट मैसेजेस फॉर हेल्प. तो वो लोग सबको हेल्प करने के लिए मैसेज भेजना शुरू किया. सून फायर फाइटर्स अराइव्ड विथ टैंकर्स एंड स्टार्टेड स्प्रेइंग वाटर ऑन द ग्राउंड इमिडिएटली. जल्दी से फायर फाइटर्स ने क्या किया, सारी जगह पे टैंकर्स, पानी का टैंकर्स लाए हैं एंड स्टार्टेड स्प्रेइंग वाटर ऑन द ग्राउंड इमिडिएटली. फायर फाइटर्स अराइव्ड विथ टैंकर्स एंड स्टार्टेड स्प्रेइंग वाटर ऑन द ग्राउंड इमिडिएटली. जल्दी फायर फाइटर्स उनको पानी का टैंकर लेके आया और पानी ग्राउंड में स्प्रेड करना शुरू किया. दिस वॉज द बेस्ट वे टू स्टॉप द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग एंड डिस्ट्रॉइंग थिंग्स. ये सबसे बढ़िया उपाय है कि फायर को स्प्रेड से रुकना और डिस्ट्रॉय, मतलब खत्म करना, जो चीजों को खत्म कर देता है उसका वो करना. सिंस जोसेफ्स हाउस एंड द फार्म वर क्वाइट नियर द माउंटेन्स. जोसेफ्स का हाउस और फार्म बहुत ज्यादा माउंटेन्स के करीब था. He was most worried about his family, his animals and the crops. वो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा worried था उसकी family, friends और animals और crops के लेके. So he decided to go home and prepare himself to fight the flames. तो उसने सोचा कि मैं घर जाके prepare होके आऊँ, to go home and prepare himself to fight the flames. ये flames के साथ fight करना, मतलब आग के साथ fight करने के लिए मुझे prepare होके आना पड़ेगा. He gathered all the sprinklers and hoses that he could find in this garage. In his garage, इसके पास बहुत ज़्यादा sprinklers, जो पानी को छिड़कने वाला होता है, और वो जो hose pipe होता है, उसको छिड़कने के लिए, पानी डालने के लिए, वो उसके garage में पड़ा था. वो उसके साथ सारा चीज़ को वो gather किया. Then he quickly set up a fire pump in the lake. और उसके बाद उन्होंने fire pump को lake में set किया. He knew that water from the taps would not be enough if the fire spread to his house. अगर उसके घर में आग फैल जाए तो ये उसके लिए काफी नहीं होगा कि सिर्फ वो वाटर टैप से जो वाटर आता है उससे वो पानी छिड़कना सिर्फ काफी नहीं होगा. His children also helped him quickly soaking down the house and the trees around. उनके बच्चे भी उनके साथ सारे जो पेड़ पौधे थे, सोकिंग डाउन मतलब जो लॉन था, सबको पानी डाल के गीला कर दिया, जो भी आसपास पेड़ था उसके चारों तरफ. सून दे वर ऑल वेरी टायर्ड. जल्दी वो लोग बहुत ज्यादा टायर्ड भी हो गया. अनफॉर्चुनेटली आफ्टर अ लिटिल वाइल द विंड स्टार्टेड ब्लोइंग एट अ ग्रेट स्पीड एंड द फायर स्प्रेड. दुर्भाग्यवश तो क्या हुआ, वो जो कुछ देर बाद विंड स्टार्टेड, मतलब एकदम तेजी से हवा चलना शुरू किया और फायर क्या किया, स्प्रेड किया. Therefore a fireman came and asked the family to leave. उसके बाद fireman आके उनको बोला कि जल्दी से आप घर से मूव करो. People in his neighborhood were already leaving their homes with whatever they could carry in their carts and wagons. जो भी उनके आसपास के neighborhood के people थे, वो लोग भी उनका घर छोड़ के सारी चीज को, जो carts and wagons, जो भी उनका चीज था, सामान था, वो लेके वो लोग भागना शुरू किया. जोसेफ डिसाइडेड टू स्टे बैक. जोसेफ ये डिसाइड किया कि वहां पे बैक स्टे बैक करेंगे. ही आस्क्ड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन टू लीव. उनके बच्चे को और वाइफ को वो घर छोड़ के जाने के लिए बोला, लेकिन वो खुद वहां रहना चाहते थे. ही वॉन्टेड कैटरीना टू टेक देयर थ्री चिल्ड्रन टू सेफ प्लेस. कैटरीना उनको वाइफ को बोला, तुम अपने बच्चे को लेके थोड़ा सेफ जगह पे चले जाओ. बट शी रिफ्यूज टू गो. बट उनकी वाइफ रिफ्यूज किया, मतलब जाने से इनकार कर दिया. आई वोंट लीव यू. मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी. आई विल स्टे हियर एंड हेल्प यू. मैं यहीं पे रहूंगी और आपको हेल्प करूंगी. वी नीड मेनी हैंड्स टू फाइट द फायर. हमारे पास बहुत सारा हाथ चाहिए जो ये फायर के साथ लड़ाई करे. शी सेड, उनकी वाइफ ने बोला. सून अ फ्रेंड हु लिव्ड क्वाइट फार अवे. जल्दी उनकी फ्रेंड बहुत दूर जो रहते थे, हर्ड द न्यूज ऑन द रेडियो. रेडियो में भी अनाउंसमेंट हुआ तो उन्होंने सुना और वो
ही इमीडिएटली ड्रोव टू जोसेफ्स होम टू हेल्प हिम, और वो जल्दी से जोसेफ्स के हाउस में आ गया उसको हेल्प करने के लिए। स्टूडेंट्स, अभी ये चैप्टर को मैंने यहीं पे छोड़ रही हूँ, लेकिन साथ साथ मैंने तुम लोगों को हार्ड वर्ड्स मार्क करवा रही हूँ, जो तुम लोग अंडरलाइन करो और कॉपी में भी नोट डाउन करोगे। एकदम फर्स्ट में देखो, एच यू आर टी हार्ट, जी आई एफ टी एस गिफ्ट, के आई डबल एस ई एस किसेस, टी आर ई ए टी डी ट्रीटेड, उसके बाद प्रेजेंट, हार्ट गिफ्ट किसेस ट्रीटेड प्रेजेंट देन रिटर्न, एंड नेक्स्ट फॉरेस्ट फायर्स, लाइव स्टॉक, शोर, पाउंडिंग, हरिडली, ड्रेस्ड अप, फायर फाइटर्स, नेबरहुड, पेयरिंग, रिच, कवर्ड, लाइटनिंग, डिस्ट्रॉय, अराइव्ड, इमीडिएटली, माउंटेन्स, वरिड, स्प्रिंकलर्स, होसेस, soaking, unfortunately, refused, quiet, these are the words you have to write down in your notebook, and you have to write down the word meanings also. Next day I will complete the chapter and question answer I will do the. And you have to learn first 1, 2, 3 chapter number 1, 2, 3 exercise and all the question answers. Okay? Thank you and have a nice day.